छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम। फिल्म छलिया के लिए मुकेश जी का गाया यह मधुर गीत पहले भी लोकप्रिय था और आज भी खूब लोकप्रिय है। लेकिन क्या आपको पता है कि सेंसर बोर्ड की कैंची इस गीत पर भी चल गई थी और इस गीत के मूल वर्जन में फेरबदल करके इसे फिर से जारी किया गया। इसलिए फिल्म में जो गीत है वह बदला हुआ गीत है। आखिर मूल गीत क्या था और सेंसर बोर्ड की क्या आपत्ति थी और उसकी आपत्ति के आधार पर मूल गीत में क्या क्या बदलाव हुए, तो चलिए बताता हूँ आपको पूरा किस्सा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धीरज और आप देख रहे हैं महान हस्तियों और फिल्मों और गीतों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां देने वाला चैनल ग्रेट लीजेंड्स। दोस्तों, आज की फिल्मों के अश्लील और फूहड़ गीतों को सुनकर ऐसा लगता है कि हमारे देश में सेंसर बोर्ड नाम की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन एक समय था जब सेंसर बोर्ड ज़्यादा ही एक्टिव था और अक्सर फिल्मी दृश्यों और गीतों पर भी कैंची चला देता था। किस्सा है 1960 का, जब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बालकृष्ण विश्वनाथ केशकर जी के पास था, जो बनारस संस्कृत विद्यापीठ से पढ़े हुए थे और ध्रुपद में पारंगत थे। उन्हें हिंदी फिल्मों के गानों के स्तर पर बहुत चिंता थी। कहते हैं उन्होंने अपने दौर में रेडियो पर हिंदी फिल्मों के गाने बजाए जाने पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। तब इसका फ़ायदा रेडियो सिलोन ने उठाया था और वो काफ़ी लोकप्रिय हो गया था। बहरहाल, सेंसर बोर्ड की इस सख्ती का असर छलिया के टाइटल गीत पर भी पड़ा। आप मुकेश जी के गाए गीत छलिया मेरा नाम गीत के मूल वर्जन को सुने तो यह फिल्म की कहानी और सिचुएशन के बिल्कुल अनुकूल लगेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। लेकिन सेंसर बोर्ड ने इस गीत पर, खासतौर पर इसके कुछ शब्दों पर कड़ी आपत्ति जता दी थी और इस गीत के मूल वर्जन में बदलाव करके दोबारा रिकॉर्ड किया गया। इस कारण इस गीत के तीन वर्जन बने। राज कपूर नूतन अभिनीत फिल्म छलिया 1960 की सुभाष देसाई निर्मित व मनमोहन देसाई निर्देशित फिल्म थी। इस फिल्म का शीर्षक गीत छलिया मेरा नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम, फिल्म संगीत का एक सदाबहार नगमा रहा है। छलिया मेरा नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। कल्याण जी आनंद जी द्वारा स्वरबद्ध एवं कमर जलालाबादी द्वारा लिखा गया यह गीत वास्तव में ऐसा नहीं लिखा गया था। इस गीत का मूल मुखड़ा था छलिया मेरा नाम, छलना मेरा काम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। अब सेंसर बोर्ड को छलना मेरा काम में आपत्ति थी। बोर्ड के अनुसार यह गलत संदेश था समाज के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, और वह भी फिल्म के नायक की जुबान से। इसलिए छलना मेरा काम की जगह छलिया मेरा नाम की पुनरोक्ति कर दी गई। मूल वर्जन में था छलिया मेरा नाम, छलना मेरा काम। मूल वर्जन की एक झलक सुने। छलिया मेरा नाम, छलना मेरा काम। इसे बदल कर किया गया छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम। छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम। यही नहीं, गीत के अंतरों में भी भारी फेर बदल किया गया है। गाने के मूल वर्जन में एक लाइन थी, हम तो खाली माल के रसिया, इश्क नहीं हम सी। हम तो खाली माल के रसिया, इश्क नहीं हम सीखे। सेंसर बोर्ड के आदेश पर इसे बदल कर किया गया हम तो खाली बात के रसिया, इश्क नहीं हम सीखे। हम तो खाली बात के रसिया, इश्क नहीं हम सीखे। मूल वर्जन में आगे की लाइन थी, जहां भी देखा दाम वहीं निकाला काम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। जहां भी देखा दाम वहीं निकाला काम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। इसे भी बदलना पड़ा और बदल कर किया गया जहां भी देखा दाम करता वहीं सलाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। जहाँ भी देखा काम करता वहीं सलाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। मूल वर्जन की एक और लाइन थी,
मैं हूँ गलियों का शहजादा, जो चाहूँ वो ले लूँ। ये सुनिए। मैं हूँ गलियों का शहजादा, जो चाहूँ वो ले लूँ। इसे बदल कर किया गया, मैं हूँ गरीबों का शहजादा, जो मांगो वो दे दूँ। मैं हूँ गरीबों का शहजादा, जो मांगो वो दे दूँ। मूल वर्जन में एक अंतर था, तुमने मुझसे रोटी छीनी, छीने मैंने पैसे। और इस लाइन को सेंसर बोर्ड की आपत्ति पर बदल कर बनाया गया, रोक रहे हैं राहें मेरी नैना तीखे तीखे। रोक रहे हैं राहें मेरी नैना तीखे तीखे। मजे की बात यह होती थी कि फिल्म में तो बोल बदल जाते थे, पर जो रिकॉर्ड बाजार में आ जाते थे और रेडियो सीलोन पर बजते थे, वो अनसेंसर्ड ओरिजिनल बोल वाले ही रहते थे। मशहूर फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में एक बार लिखा था कि अपनी किशोरावस्था में जब वो छलिया मेरा नाम छलना मेरा काम गुनगुना रहे थे, तो उनके पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी को अच्छा नहीं लगा था। वो समझाते थे छलना मेरा काम गलत बोल है, ऐसे गाने मत गाया करो। इस तरह से हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ थोड़ी सी भी आपत्तिजनक बातें सेंसर बोर्ड को लगी, उन्हें बदल दिया गया और जो गीत बाहर आया वह बेहद खूबसूरत संस्करण था। इसके लिए पूरा श्रेय जाता है कमर जलालाबादी साहब को। फिल्म छलिया में राज कपूर पर फिल्माए सभी गीत मुकेश जी के गाए हुए हैं, सिवाय एक गीत गली गली सीता रोए आज मेरे देश में के, जिसे रफी साहब से गवाया गया था। इसकी झलक आपके लिए पेश है। गली गली सीता रोए आज मेरे देश में। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि आखिरकार राज कपूर पर फिल्माए गए ज्यादातर गाने जब मुकेश साहब से गवाए जाते थे, तो इस फिल्म में राज कपूर पर ही फिल्माए गए एक गीत को रफी साहब से क्यों गवाया गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब अपने दोस्त और होस्ट धीरज को दीजिए अनुमति। चलने से पहले एक और जानकारी आपको दे दूं कि फिल्मों और गीतों पर एक और चैनल है, ड्रामा सीरीज इंडियन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस लिंक पर जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।